आप इससे क्या आपको लगता है कि चेंजेस होगा जिस तरीके से? बिल्कुल अग्री, मेरा वोट वो मेरा अधिकार है। वोट मारने के बाद हमारा कोई अधिकार ही नहीं बचता है। आज किसान दिल्ली की सीमाओं पे अपने अधिकार की मांग लेके आए। केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि हम MSP का कानून नहीं बना। किसानों की मांग है कि सरकार ने MSP का कानून बनाना चाहिए। ये जनभावना है, सरकार ने जनभावना का आदर करना चाहिए। देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है, बेरोजगारों ने मोर्चा निकाला, उनको भी लाठियों से मारा गया। किसानों को गोलीबारी की गई, उनको भी लाठी से मारा गया। तो एक वोट मारने के बाद उनका अधिकार ही बचता नहीं, तो मेरा वोट सही सलामत है या नहीं है? और मेरा वोट, मैं जिसको वोट मारता हूँ, जिस विचारधारा को मार रहा हूँ, वो उसी को जा रहा कि नहीं, ये शंका अगर मन में आती है तो यही मेरा व्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर मेरा उसका वायलेशन हो रहा है। और इसलिए जनता की यह भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावना है और वही भावना को लेके मार्केटवाड़ी में जिस तरह से लोगों ने मॉक पोलिंग करने की भूमिका ली, खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ के लोगों ने किया, लेकिन चुनाव आयोग और राज्य की सरकार ने पुलिस के दबाव के आधार पर उनके बूथ कैप्चरिंग कर लिया, उनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर लिया। आखिर तुम लोगों के अधिकार का हनन कैसे कर सकते हो? और इसलिए उस गांव के लोगों ने, मरकंडवाड़ी के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में, ये भूमिका हर गांव में शुरू हो गई है। हर गांव में ग्राम सभा का ठहराव लेने का काम शुरू हुआ है। जो संस्था हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, यही संस्थाओं में भी अब ठहराव लेने का काम शुरू हुआ कि अभी आने वाले सभी चुनावों में वोटिंग ये बैलेट पे होना चाहिए। ये मांग महाराष्ट्र में से सब तरफ से शुरू हो राहुल गांधी कब तक आ रहे हैं और महाराष्ट्र के नेता, जो कांग्रेसी नेता है, वो मरकटवाड़ी जा रहे हैं क्या? देखो, हमने हमारा एक जत्था जाके आया है, हमने वहाँ के पूरे डिटेल्स लिए हैं, वहाँ के लोगों के भावनाओं को हमने समझा है। हमारे राज्य के प्रवक्ता अतुल लोंडे जी और उनकी एक टीम मार्कंडवाड़ी जाके आ गए हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने हमारे नेता राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को हमने दिया है। उन्हें पूरे डिटेल्स मांगा था और डिटेल के बाद अभी तक उनका कोई प्रोग्राम हमारे पास आया नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम आएगा तो हम आपको खबर करेंगे। सर, लातूर में वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को नोटिस भेजा है, सर क्या कहना चाहेंगे? वो किसान ऐसे हैं जो जनरेशन से उस जगह पर खेती करते आए हैं और अब वक्फ बोर्ड जो है वहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये स्थिति किस आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, क्या उनके अधिकार है क्या नहीं है, इसकी डिटेल मेरे पास आज अभी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर अभी चर्चा करना और उसका जवाब देना ये स्वाभाविक नहीं हो सकता है। मेरे पास डिटेल में मंगा लेता हूँ। अगर किसानों की ज़मीन है, वह खेती करते हैं और उनकी ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, अगर 7/12 इनका किसानों का होगा, उनकी मालकियत होगी, तो यह वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास डिटेल नहीं है तो उस पर अभी मैं कोई वक्तव्य नहीं करूं। नाना भाऊ, महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो कल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने खुलेआम उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे कंफ्यूज्ड हैं महाविकास अघाड़ी में, या आप लोगों की जो विचारधारा है भले मैच नहीं करती है लेकिन सहयोगियों के आइडियोलॉजी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है क्या? देखो, अबू आजमी जी को मैंने आज भी ढूंढा, आज भी वो हाउस में नहीं थे। अगर वो मुझे आज मिलते तो मैं उनसे बात करके दोनों हम लोग आपके सामने आते, लेकिन मेरे से उनसे बात नहीं हुई। मैं कल भी आपको बोला था कि हम उनसे बैठ के बात करेंगे और बाद में आपसे चर्चा करेंगे। नाना, आता मुख्यमंत्र्यांची देखील तुम्ही भेट घेतलेली आहे, एकूणच काय नेमकी चर्चा झाली आहे? विरोधी पक्षासंदर्भात काही मागणी होते आहे? आज विधानसभा अध्यक्षाचं फॉर्म भरायची आखरी वेळ होती 12:00. आम्ही 11:30 माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटलो। आमचं महाविकास आघाडीचं एक डेलिगेशन आम्ही त्या ठिकाणी होतो। महाराष्ट्रामध्ये परंपरा राहिलेली आहे की विधानसभेचं अध्यक्षपद हे
निर्विरोध निवडून आलं पाहिजे आणि ती परंपरा कायम राहावी या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यांना भेटलो आणि त्यांच्याशी चर्चा केली। नाना, आप अपोजिशन ने क्या बातचीत की है, क्या डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर के तौर पर विपक्ष का आदमी होना चाहिए, क्या सीएम से इस बारे में या सरकार के नेताओं के साथ बात हुई है क्या? देखो, हमने बात रखी है कि जो महाराष्ट्र की विधिमंडल के कामकाज की जो परंपरा रही है आज तक, वो परंपराएं हमेशा बनी रहे। हमारे वैचारिक कितने भी मतभेद हो, लेकिन संस्था ये जो होती है, ये संस्थाओं का ये व्यवस्था ये चलती रहती है और ये परंपराएं चलती रहना चाहिए। और इसलिए अपोजिशन के पास डिप्टी स्पीकर का ये पोस्ट होना चाहिए। अपोजिशन लीडर की जो अभी कानूनन जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको कैसे ये कर अपोजिशन लीडर कैसा बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा शुरू है। तो मुझे लगता है कि हमने दोनों बात रखी है उनके पास, मुझे लगता है कि उन्हें सकारात्मक जवाब दिया है और ये परंपरा है वो कायम रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं उस पर चल रहे हैं, गलत हो रहा है और इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन देश में मणिपुर और ये कई देश राज्यों में जिस तरह से तबाही चल रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, ये भी उतनी ही महत्व की है और इसके तरफ भी देश की सरकार ने ध्यान देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है।